Hello student, welcome to basic English class. Today our topic is the sentence. Sentence एक basic concept होता है English grammar में. चलिए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं. Sentence is a group of words that makes complete sense by itself. Sentence एक ऐसे group of words है जिसका एक complete sense होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया गया है द हैज़ बॉय स्कूल रीच्ड. इसको हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ भी सेंस नहीं आ रहा है. इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस, सो इट इज़ नॉट ए सेंटेंस. सेकेंड में दिया गया है इन द पार्क, मतलब इसका तो सेंस आ रहा है. इन द पार्क में मैं जब बोलूँगी आपको इन द पार्क, तो आप लोगों को पता चलेगा ना इन द पार्क मतलब पार्क में, पार्क में क्या. लेकिन उसका आधा अधूरा सेंस निकल के आ रहा है. ठीक है, इट डज नॉट गिव अस ए कम्प्लीट सेंस. सेंस तो दे रहा है लेकिन कम्प्लीट सेंस नहीं दे रहा है. थर्ड में है द बॉय हैज़ रीच्ड स्कूल, इसका मतलब लड़का स्कूल पहुंच गया है. तो इसको जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका एक कम्प्लीट सेंस मिल रहा है हम लोग को. तो देखो इसको गौर से देखेंगे तो ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका एक कम्प्लीट सेंस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंटेंस. ठीक है, तो फाइनली ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कम्प्लीट सेंस बाई इट्सेल्फ. फिर यहाँ पर आपको फोर बेसिक फीचर्स ऑफ सेंटेंस दिया गया है. फर्स्ट है इट बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर, एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, ए क्वेश्चन मार्क, एन एक्सक्लामेशन मार्क, हैज ए वर्ब, हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. मतलब सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है और इसका एंडिंग फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है. सेंटेंस हर सेंटेंस का एक वर्ब होता है और सेंटेंस का टू पार्ट्स होता है, एक सब्जेक्ट, सेकंड है प्रेडिकेट. तो ये चारों बेसिक फीचर्स होते हैं एक सेंटेंस का. ठीक है, फिर आ गया आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. जब हम लोग कुछ सेंटेंस बोलते हैं तो हम लोग अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं ना, एक प्रकार के सेंटेंस नहीं बोलते हैं. जैसे कभी कभी हम लोग डिक्लेयर करते हैं कुछ चीज़, स्टेटमेंट बोलते हैं. कभी कभी हम लोग अपना सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. कभी कभी हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं. कभी कभी किसी को क्वेश्चन पूछते हैं. ये जो सब सेंटेंस है वो हम लोग अलग अलग सेंटेंस बोलते हैं. तो ये सेंटेंस को हम लोग बेसिकली फाइव टाइप्स में डिवाइड कर दिए हैं. पूरे सेंटेंस को फाइव टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है. लेट्स सी इट. फर्स्ट है डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस, सेकेंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस, फोर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और फाइव है ऑप्टेटिव सेंटेंस. फर्स्ट डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस, इसको हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं. ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और एन एसर्शन इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस. ए सेंटेंस ऑफ दिस काइंड कैन आइदर बी एफर्मेटिव और नेगेटिव. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम लोग डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. और ये भी फर्दर टू टाइप्स होता है, एक है अफर्मेटिव, सेकंड है नेगेटिव. जब हम लोग सिंपली कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है द लायन इज स्लीपिंग, तो ये सिंपल स्टेटमेंट हुआ, तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस. सेकेंड में आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव में होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है ही डज नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, मतलब वो पार्टी जाना नहीं चाहता है. तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है, नॉट का यूज हुआ है, इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं. ठीक है, बोथ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव आर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस. वी पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एन एसर्टिव सेंटेंस. एसर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हम लोग किस में एंड करते हैं, उसको फुल स्टॉप में. ओके, सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, या क्वेश्चन भी बोलते हैं उसको. ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज इन द बैग, डू यू लाइक कॉफ़ी, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, विल यू अटेंड द क्लास. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका जो एंडिंग है क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आता है.
थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट है इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं सेंटेंस, सॉरी। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए रिक्वेस्ट एन ऑर्डर एडवाइस और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑर्डर, कभी कभी हम लोग ऑर्डर देते हैं, जैसे आपके टीचर आपको बोलते हैं ना कि कम हेयर, तो ये क्या हुआ, ऑर्डर हुआ, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, वर्क हार्ड टू पास, ये क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन हुआ। तो ये सब सेंटेंस जब बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप से ही एंड होता है। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग सच एज सरप्राइज, जॉय, एंगर एट्सेट्रा इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जब हम लोग अपना सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। सडन फीलिंग मतलब, जैसे हम लोग सपोज किसी को, हम लोग किसी का एक्सीडेंट होते हुए सपोज देख लिए तो हम लोग एकदम आश्चर्य हो जाते हैं ना, वंडर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कोई अच्छी चीज़, अच्छी सीन देख लिए तो हम लोग वंडर हो जाएंगे। जैसे हम लोग मैच जीत गए या आप जैसे क्लास में फर्स्ट आ गए तो आप जॉय, खुश हो जाते हो। तो अब उसमें हम लोग जो फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एंडिंग जो है एक्सक्लामेशन मार्क से होता है, ठीक है। फाइव में है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए विश और प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। मतलब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कि हम लोग अपना विश या प्रेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये भी जो सेंटेंस है इसका भी एंडिंग एक्सक्लामेशन मार्क से ही हो रहा है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एंडिंग भी एक्सक्लामेशन मार्क से ही हो रहा है और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का एंडिंग भी एक्सक्लामेशन मार्क से ही हो रहा है, ओके। लेकिन हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सक्लामेटरी है और ये ऑब्जेक्टिव है? तो ये बेसिक माइनर सा डिफरेंस है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विश या प्रेयर किया जा रहा है और वहाँ पर सडन फीलिंग का एक्सप्रेस हो रहा है। तो आप लोग आराम से उसको पहचान सकते हो कि व्हाट इज एक्सक्लामेटरी, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट में आता है आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ए सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेमली ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। सेंटेंस को हम लोग बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला है सब्जेक्ट, सेकेंड है प्रेडिकेट। तो व्हाट डू मीन बाय सब्जेक्ट? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, और सब्जेक्ट जो काम करता है उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं सेंटेंस का उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहित परफॉर्म्ड वेल। यहाँ पर क्या है कि ये जो सेंटेंस बोलते हैं हम लोग तो किसके बारे में पता चल गया हम लोग को? रोहित के बारे में पता चल गया। तो यहाँ पर रोहित हो गया आपका सब्जेक्ट और परफॉर्म्ड वेल हो गया आपका प्रेडिकेट, ओके। फिर यहाँ पर मेंशनड है कि इन ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रोहित परफॉर्म्ड वेल, दे सैंग, इंडिया वन द मैच, ये तीनों जो सब्जेक्ट आप लोग देखें, रोहित क्या है, एक नाम है, इंडिया क्या है, एक नाम है, दे क्या है, दे भी किसी के बदले आया है, नाउन के बदले, जिसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट बेसिकली नाउन या प्रोनाउन होता है, ओके। और सब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी आइदर ए सिंगल वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। सेम प्रेडिकेट ऑल्सो, प्रेडिकेट भी सिंगल वर्ड भी हो सकता है, प्रेडिकेट ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, ओके। फिर नेक्स्ट में है आपका क्वेश्चन आंसर, जिसको कि मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टूडेंट्स, बाय बाय।